गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो, बेहतरीन हो। स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे पास में डे थ्री, और डे थ्री में चैप्टर है हमारे पास सिविक्स का चैप्टर वन, पावर शेयरिंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हो आप सभी लोग इन दी चैट। गुड इवनिंग एवरीवन। आदित्य, राम, खुशी, स्वर्णाली, सतीश, उज्ज्वल, आदित्य एंड मेनी अदर्स, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाफ ईयरली खत्म, नेक्स्ट प्रीबोर्ड है नवंबर में। बहुत बढ़िया। नवंबर तुम्हारे स्कूल वाले तो बहुत तेज चल रहे। ठीक है, सिर्फ आवाज बैठी है, हौसले अभी भी मजबूत है, ठीक है, अडिंग है, तो तुम्हारे भी वैसे ही होना चाहिए। क्या कि आवाज बैठने का कारण सिंपल सा ये है कि गैप हो गया 10-15 दिन से क्लास नहीं हुई, और यूट्यूब पे बड़ी ताकत लगा के पढ़ाता है आदमी, ठीक है, और सर्दी हो गई, आवाज बैठ गई, केले वेले खा ली, तो वो बहुत सारे एक साथ लफड़े हो गए। रेस्ट इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है, आई एम फिट एंड फाइन, सिर्फ गले की तरफ से थोड़ा सा वो है। हाँ, गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी इज हियर, गर्म पानी है, चिंता ना करो। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कल मेरा एग्जाम है एसएसटी का, लास्ट मोटिवेट कर दो, ठीक है भाऊ, लास्ट मोटिवेट, फर्स्ट मोटिवेट, सारी चीजें एक ही समझना। क्या कि आपको अपने ऊपर विश्वास करके जाना है, मैं आपके साथ एग्जाम में नहीं चलूंगा, ये सेशन आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएंगे। आप जितना इम्बाइब करके अपने अंदर ले जा रहे हो वो मोर देन सफिशियंट है। सब कुछ पढ़ लिया है, वेल एंड गुड, कुछ नहीं पढ़ा है तो अब एक दिन में कुछ होना नहीं है। गो विद द कॉन्फिडेंस, एट द एंड जो काम आता है वो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, आखिरी में जो काम आता है वो कॉन्फिडेंस है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक भाऊ। चलिए, शुभ संध्या, ठीक है, शुभ संध्या। तो शुरू करते हैं, पावर शेयरिंग चैप्टर है। किसी कोई डाउट, समस्या, परेशानी तो नहीं है? नोट्स, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं। मैं 1000 बार बता चुका हूं कि नोट्स, यू पीपल कैन गेट दी नोट्स। हमारा एक अपना प्यारा सा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, टीम डीएसआर, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा डे थ्री है, हम लोगों ने, राम राम भाई सारिया ने, आज हम डे थ्री पे पहुंच गए हैं, ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। पावर शेयरिंग अभी आगे आने वाले 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, फिर सब्सिक्वेंटली 7 और चैप्टर। इस तरह से हम हाफ ईयरली की रिविजन सीरीज को फुल एंड फाइनल तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस सेशन, सारे बच्चे एक साथ क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। तो पावर शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं इस चैप्टर की, ठीक है, इस चैप्टर की ये बात जो है वो मैं सीना ठोक के कहता हूं, बार बार कहता हूं, ये चैप्टर में 5 टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको 5 टॉपिक बताऊंगा, और ये मेरी गारंटी है। ये व्हाइट रिफ्लेक्शन का ही कह रहा है, ठीक है, अच्छा, ये मेरी गारंटी है कि 5 क्वेश्चन या फिर 5 टॉपिक से बाहर सवाल नहीं आता है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, 1 सिटिंग में खत्म किया जाने वाला, और वह आप खुद फील करोगे। अभी मैं करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन बताते चलूंगा, टॉपिक बताते चलूंगा, इसके बाहर सवाल आ जाए तो नाम पलट देना, ठीक है, समझ में आया। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को डिटेल में पढ़ना जरूरी है क्या सर? बाबू वो बचा ही छोटा सा है, तो जितना पार्ट बोर्ड एग्जाम में आ रहा उतने को डिटेल में पढ़ लेंगे। इनफैक्ट अक्टूबर का रोडमैप आएगा, तब उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको एक बार फिर से दे दूं, सिर्फ उतना ही, क्योंकि वो मुश्किल से आधे घंटे का चैप्टर है अब, ठीक है। चलो, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको, बेसिकली चीज ये है क्या कि ये चैप्टर जो है, तो जितना मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनना, पूरा चैप्टर आपके सामने आएगा। क्या ये चैप्टर है पावर शेयरिंग, 2 कहानियां हैं चैप्टर में, कौन कौन सी, एक कहानी है बेल्जियम की, दूसरी कहानी है श्रीलंका की, बेल्जियम की कहानी और श्रीलंका की कहानी, 2 कहानी। अब बेल्जियम की कहानी में क्या बताया गया आपको, बेल्जियम की कहानी में बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, कि बेल्जियम में किस किस प्रकार के, कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो एक सवाल, एक टॉपिक ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, सिमिलरली एक टॉपिक, एक सवाल आपका ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। दोनों जगह डायवर्सिटी है, एक जगह डायवर्सिटी को बहुत अच्छे से एंटरटेन किया गया, दूसरी जगह डायवर्सिटी का फुटबॉल बना दिया गया, ठीक है। तो दोनों ने डायवर्सिटी थी,
क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी, दोनों ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट करी, तो श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी। मतलब एक एक सवाल ये समझ आ गए, दूसरे सवाल ये रहेंगे कि श्रीलंका ने डायवर्सिटी से कैसे डील किया, मेजोरिटेरियनिज्म के तरीके से, और बेल्जियम ने डायवर्सिटी से कैसे डील किया, अकोमोडेशन के थ्रू। तो कैसे श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म को प्रैक्टिस किया गया, कैसे बेल्जियम में अकोमोडेशन को प्रैक्टिस किया गया, दो टॉपिक ये है, ठीक है, दो टॉपिक ये है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, कि पावर शेयरिंग का चैप्टर है बेल्जियम का कंपोजिशन, श्रीलंका का कंपोजिशन, श्रीलंका ने कैसे पावर शेयरिंग को डील किया, बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग को डील किया, और उसके बाद में एक टॉपिक ये बनता है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो पावर शेयरिंग आखिरकार जरूरी क्यों है, मॉरल और पोटेंशियल रीजन, और लास्ट में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसका बड़ा क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, चार फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, और ये चारों फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एक एक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समराइज करें तो एक क्वेश्चन बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, एक क्वेश्चन श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, मेजोरिटेरियनिज्म कैसे अडॉप्ट किया गया, अकोमोडेशन कैसे हुआ बेल्जियम में, साथ ही साथ व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का एक बड़ा क्वेश्चन और चार सब टॉपिक, दैट्स इट। इससे बाहर चैप्टर नहीं है, ठीक है, इससे बाहर चैप्टर नहीं है, डर तो नहीं रहो तुम, इससे बाहर चैप्टर नहीं है। क्यों यह थम्स अप, कितने लोगों को चैप्टर की रूपरेखा समझ में आ गई है, यह चैप्टर सिर्फ इतना है, इतना अच्छे से कर लिया तो चैप्टर में पूरे नंबर, ठीक है, अगर इतना अच्छे से कर लिया तो चैप्टर में पूरे नंबर। ए वॉइस वाड़ी इधर ध्यान दो, सिर्फ गला बैठा है और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, इज दैट क्लियर। देखो कोई भी लक्ष्य साधना और उस लक्ष्य पर डटे रहना इतना आसान नहीं होता है। मेरे पास ऑप्शन है, बोल दू गला बैठ गया, क्लास नहीं लेते, पर पॉइंट ये है ना, क्या कि वो आर्ट्स में अगर आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते हो तो फिर तुम कंफर्ट में क्या पुश करोगे। तो इसके लिए जरूरी ये है क्या कि जो 10 दिन का शेड्यूल है 10 दिन फॉलो करो चुपचाप, तुम्हारे हाफ ईयरली अच्छे से होंगे, मेरा टास्क कंप्लीट होगा, ठीक है, आज के सारे टास्क को कंप्लीट बोलेंगे हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, आपको एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। सवाल ये रहा, बेल्जियम शेयर्स इट बॉर्डर्स विद हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, जैसे मैंने बताया ना बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को समझना है, तो ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल चीजें भी हैं कि बेल्जियम यूरोप किस कॉन्टिनेंट में है, उसके साथ आजू बाजू कौन कौन सी कंट्रीज है, पोल आया, आजू बाजू कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है, आजू बाजू कौन कौन सी कंट्रीज है, किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इस तरह की छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स एनसीईआरटी पढ़ते समय ध्यान रखना, ठीक है, बोल गया। थ्री टू वन टाइम अप, ठीक है। तो बेल्जियम किनके साथ, कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो द राइट आंसर इज 4। जैसे अगर आप देखोगे ये बेल्जियम है, तो बेल्जियम क्या कर रहा है, फ्रांस जर्मनी लक्समबर्ग, ठीक है, और कौन सी एक और कंट्री थी बताओ, तो ऐसे 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नीदरलैंड्स, वेरी गुड, शाबाश लक्ष्य द अर्ली आउल, ठीक है, तो ये बेल्जियम वाला पॉइंट था। अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया, सबसे पहले बेल्जियम को समझते हैं हम, ठीक है, तो बेल्जियम का और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन पढ़ेंगे, तो एथनिक कंपोजिशन में अगर बात करें तो ये बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम को जैसे देखोगे तो बेल्जियम ब्रॉडली 2 प्रोविंसेस है बेल्जियम में, ठीक है, आपको येलो कलर की जो प्रोविंस दिख रही है ये है फ्लेमिश रीजन, और दूसरा रीजन जो है वो है डच रीजन, वेलोन रीजन, ठीक है, वेलोन रीजन। अब फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, यहाँ पे DUTCH डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और ये वेलोनिया वाला जो रीजन है रेड कलर में, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग। अब जिनको ये याद करने में दिक्कत जाती है कहाँ पे कौन है, तो ध्यान रखना इधर नीचे की तरफ फ्रांस है, ठीक है, इधर नीचे की तरफ फ्रांस है, तो फ्रांस से सटी हुई बॉर्डर पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, ऊपर की तरफ नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड से सटी हुई बॉर्डर पे डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, नीदरलैंड में डच बोली जाती, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब ये क्या हो गया, आपके 2 रीजन्स हो गए, अब 2 रीजन्स के बाद में एक रीजन और है, जैसे इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसेल्स, ठीक है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम का कैपिटल हो गया। अब ब्रसेल्स आपको 3 एरिया देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, फ्लेमिश रीजन, ब्रसेल्स और वेलोनिया रीजन, साथ ही साथ एक शेडेड पार्ट देखने को मिल रहा है जहां पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है,
ठीक है, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो अगर हम बात करें एथनिक कंपोजिशन की, रिकॉल करना, एथनिक कंपोजिशन की अगर बात करें तो 40% पॉपुलेशन स्पीक्स फ्रेंच, वेलोन रीजन में रहती है। 59% पॉपुलेशन स्पीक डच, लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन, रेड वाला रीजन जो है। 1% पॉपुलेशन कहां गई, तो वो ये डच, 1% जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो शेडेड पार्ट में रहती है, ठीक है, जो कि जर्मनी से सटा हुआ हिस्सा है ना, इधर जर्मनी है, तो 1% पॉपुलेशन जो है वो कौन सी भाषा बोलती है, 1% पॉपुलेशन जर्मन लैंग्वेज बोलती है, ठीक। अब आगे देखें तो ये तो पॉपुलेशन हो गया, अब उसके बाद में मतलब पॉपुलेशन कंट्री में कौन सी भाषा बोलने वाली पॉपुलेशन है वो बता दिया। अब अगर हम देखें तो ये जो कैपिटल सिटी है, इस कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में क्या है ना, खेल उल्टा है। जैसे जो कंट्री में मेजोरिटी में है, कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, कंट्री में मेजोरिटी में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो कैपिटल सिटी में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन मात्र 20% है, 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले हैं, ठीक है। कंट्री में जो माइनॉरिटी में वो कैपिटल में मेजोरिटी में है, ठीक है, 80-20 का रेशियो है। उल्टा ये हो रहा है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो रिलेटिवली एडुकेटेड है, रिच है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन उतना एडुकेटेड और रिच नहीं है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लियर कट ये एग्जांपल शो करता है कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन डेवलप होने की पूरी पूरी चांसेस है। समझ आ रहा है ना तुम्हें, दिक्कत तो नहीं आ रही साउंड में, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, हाँ समझ आ रहा है बेहतर तरीके से, तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन डेवलप होने की चांसेस पूरी पूरी है, ठीक है। तो डच स्पीकिंग कंस्टिट्यूट मेजोरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल, वाइस वर्सा फॉर फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, कंट्री में माइनॉरिटी में है, कंट्री में माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में 80% के साथ। तो यहां का एथनिक कंपोजिशन हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल यही बनता है, एथनिक कंपोजिशन ऑफ अगर हम पूछे बेल्जियम। अब आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, अब आ जाओ श्रीलंका, तो श्रीलंका वही इंडिया का मैप लेने जाओ, श्रीलंका का फ्री में मिलता है। तो श्रीलंका की अगर बात करें, ठीक है, श्रीलंका का जो मैप है, तो श्रीलंका को अगर जैसे अगर आप देखोगे तो श्रीलंका में क्लियर कट तरीके से क्या बताया गया आपको कि इंडिया का एक सदर नेबरिंग कंट्री है, इस सदर नेबरिंग कंट्री में दो लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप है, तमिल और सिन्हाला। सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप जो है मेजोरिटी में है, जो आपको कंट्री में पूरा फैला देखने को मिल रहा है सिन्हाला येलो कलर में, ठीक है। तो आप जैसे देखिए तो सिन्हाला स्पीकर 74% है, तमिल स्पीकर जो है, तो तमिल स्पीकर दो कलर में दिख रहे हैं आपको, ऑरेंज और ये चॉकलेटी कलर जो है, ठीक है, ब्राउन कलर। तो तमिल स्पीकर 18% पॉपुलेशन है, जिसमें से तमिल बोलने वाले भी दो प्रकार के लोग हैं, एक श्रीलंकन तमिल्स है और एक इंडियन तमिल्स है। श्रीलंकन तमिल्स वो है जिनके फोरफादर्स श्रीलंका में ही थे, और इंडियन तमिल्स वो है जो इंडिया से गए लेकिन फिर वो श्रीलंका में बस गए, प्लांटेशन वर्कर की तरह ब्रिटिश टाइम पीरियड में ले जाया गया था उनके पूर्वजों को, और वो लोग फिर वहीं बस गए, तो वो इंडिया से गए हुए लोग इंडियन तमिल्स कहलाए, ठीक है। तो तमिल स्पीकर 18% और उस 18% में 13% श्रीलंकन तमिल्स है और 5% इंडियन तमिल्स है, ठीक है। अब आप ये गणित मत लगाना कि 74 और 18 और 8 घट रहा है, और सर यहां तो 7% कह दिया तो 1% कहां चले गई, बेल्जियम नहीं, वो है ना, ये बताया जा रहा है कि 74 और 18 हो गया, अब ये कितना हो गया 92, अब जो बचा हुआ 8% है तो अदर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप से, ये 7% तो ये बता रहे हैं कि अधिकतर सिन्हालास क्या है, अधिकतर सिन्हालास बुद्धिस्ट है, ठीक है, अधिकतर सिन्हालास बुद्धिस्ट है, तमिल स्पीकर जो है तो वो हिंदू भी है मुस्लिम भी है, ठीक है, और 7% पॉपुलेशन ऐसी है जो क्रिश्चियंस है, और वो क्रिश्चियंस तमिल भी बोल रहे हैं और सिन्हालास भी बोल रहे हैं। तो इस तरह से एथनिक कंपोजिशन है, ठीक है, 7% क्रिश्चियंस है जो कि इस 92% का हिस्सा है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका हो गया। तो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन और श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन, ये दो टॉपिक्स आपको समझ आना चाहिए थे, दैट्स ऑल। ए बर्थडे नहीं है मेरा यार, तुम चैट में कुछ भी कर रहे हो, मैं पिटाई लगा दूंगा। 4 जनवरी को मेरा बर्थडे है, ठीक है, साथ बनाएंगे, चलो। कौन था ये बच्चा, स्पैमर बनोगे क्या बड़े होके, कुछ भी स्पैम कर दो, ठीक है। तो अब आगे अगर बढ़ा जाए, ठीक है, आगे क्या हो रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑफ 1956 पास्ड इन श्रीलंका। अब जैसे मैंने बताया कि दोनों ही जगह क्या है, दोनों ही जगह आपको देखने को मिल रहा है कि एथनिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है, एथनिक डिफरेंसेस हैं। एथनिक मतलब क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं और उन अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में क्या है, डायवर्सिटी है। इट्स नॉट आर डायवर्सिटी दैट, इट्स नॉट आर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आर इनएबिलिटी टू सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस। डिफरेंसेस हैं लेकिन वो डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना होगा ना आपको, अगर रूट के बैठ जाओगे तो फिर तो डिवाइड हो ही गए। तो पॉइंट क्या है कि अब हम देखेंगे कि श्रीलंका में उस डायवर्सिटी को कैसे ट्रीट किया गया, ठीक है। पोल आ गया आपके सामने, श्रीलंका में उस डायवर्सिटी को कैसे ट्रीट किया गया, तो अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन, ठीक है। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था, तो उस मेजोरिटेरियनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल था एक्ट ऑफ 1956, तो इस 1956 का क्या पार्ट नहीं था। सिनाला वॉज रिकॉग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये तो था। बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे, ये भी था। सिनाला वर फेवर्ड इन गवर्नमेंट जॉब, ये भी था। प्रोविंसेस वेर गिवन ऑटोनॉमी, नहीं, अगर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे देते तो झगड़ा ही नहीं होता है ना, ठीक है। सिनाला डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे तभी तो झगड़ा हुआ। तो यहाँ पे सी जो होगा वो नॉट द प्रोविजन में आएगा, सी इज द राइट आंसर। कितना परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया, कितना परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया, माफ कर दो, 51। सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कि श्रीलंका में उस डायवर्सिटी को, श्रीलंका में उस डायवर्सिटी को कैसे डील किया गया। तो श्रीलंका में उस डायवर्सिटी को कैसे डील किया गया, अगर देखा जाए तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट की गई, ठीक है। देखो सिन्हालास बोल सकते ना, प्रचंड बहुमत में थे वहां पे। सिन्हालास प्रचंड बहुमत में कैसे थे, तो सिन्हालास प्रचंड बहुमत में ऐसे थे कि 74% जो पॉपुलेशन थी वो सिन्हाला स्पीकिंग थी। तो सिन्हालास ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करी, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है समझना, ये कीवर्ड है क्वेश्चन में आता है, क्या है कि मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल, मेजोरिटी कम्युनिटी रूल करे, ठीक है। मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, जैसा चाहे वैसे रूल करे, ठीक है, इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स, ठीक है, जैसा चाहे वैसे रूल करे मेजोरिटी कम्युनिटी बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है। माइनॉरिटी को कुचल दो, माइनॉरिटी की बात मत सुनो, माइनॉरिटी के हिसाब, माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचना है, ऐसा थॉट था किसका, सिन्हाला कम्युनिटी का इन श्रीलंका, ठीक है। तो यहां पे समझ में आया ना। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, तीन चीज, कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री विच एवर वे इट वॉन्ट्स, डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट और बिलीव्स ऑफ माइनॉरिटी। और जब इस तरह से कोई कंट्री अपनी सरकार चलाती है तो वो मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है, इस तरह का शासन मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है, समझ गए, इस तरह का शासन मेजोरिटेरियनिज्म कहलाता है, ठीक है। और मेजोरिटेरियनिज्म को अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में, कैसे अडॉप्ट किया गया, तो यह आपको देखना होगा कि एक लॉ पास होता है 1956 में, एक लॉ पास होता है 1956 में, और उस लॉ के हिसाब से क्या है, सिन्हालास को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया। क्यों भाई, 18% तो तमिल बोलने वाले लोग भी थे, उनको ताक पे बिठा दिया, ठीक है। तो सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया गया, ठीक है। फेवर्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस, सिन्हालास जो थे, ठीक है, जो सिन्हाला बुद्धिस्ट थे ना, तो सिन्हाला भाषा बोलने वाले जो बुद्धिस्ट थे उन लोगों को क्या किया जाता था, गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में फेवर किया जाने लगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, बुद्धिज्म का एज अ स्टेट रिलीजन प्रमोशन होने लगा, कि बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका का रिलीजन होगा, बुद्धिज्म, हिंदू, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स झांझ बजाएंगे बैठ के, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो भाषा बोलने वाले भी लोग थे, वो धर्म को फॉलो करने वाले भी लोग थे, लेकिन बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये जब स्टेप्स लिए गए ना, ये जब स्टेप्स लिए गए जिसके चलते मेजोरिटी डोमिनेट करने लगी, तब क्या हुआ, तब इससे जो तमिल्स थे, स्पेसिफिकली जो श्रीलंकन तमिल्स थे, दे फेल्ट एलिनिएटेड, उन्हें लगा कि यार देश तो हमारा भी है, हम भी देश में 18% पॉपुलेशन है अगर श्रीलंकन और इंडियन तमिल दोनों को मिला लिया जाए तो, ठीक है। तो श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनिएटेड बाय दिस एंड देयरफॉर दे लॉन्च द प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस फॉर देयर राइट्स, और इसी के चलते उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, इसी के चलते उन्होंने अपने अधिकारों के लिए क्या किया, प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। किसने, उन्होंने, श्रीलंकन तमिल्स ने प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया। सिचुएशन टेंस्ड थी, सिचुएशन टेंस्ड थी। श्रीलंकन तमिल्स की क्या डिमांड थी पता है, कि
प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दो, जो हम ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, जैसे अगर आप मैप में देखोगे यहाँ देखो ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो श्रीलंकन तमिल्स बसे हुए थे वो ये चाह रहे थे कि हमें ऑटोनॉमी मिल जाए, थोड़ी सी हमें भी आजादी मिल जाए ठीक है, वो थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाह रहे थे, उन्हें ऑटोनॉमी दी नहीं, वो ये चाहते थे कि एटलीस्ट क्या है कि तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया जाए ठीक है। लेकिन सिन्हालाज इस चीज पे एग्री नहीं हो रहे थे, सिचुएशन और टेंस्ड होती चले गई और सब्सिक्वेंटली आपको देखने को मिलता है कि श्रीलंकन तमिल जो है तो वो वायलेंट एजिटेशन पे उतर आते हैं ठीक है। डिस्ट्रस्ट दोनों के बीच में डेवलप होता है, दोनों कम्युनिटीज के बीच में, और उस डिस्ट्रस्ट के कारण एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन होती है ठीक है। किस किस के कान में वो आवाज आ गई एवेंजर्स वाली, तो वो सिविल वॉर है, वही सिविल वॉर है जी हाँ। कैसे मतलब सिविल वॉर में भी आपस में लड़ने लगे थे ना वो, तो वही सिविल वॉर का मतलब भी है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक वायलेंट कंफ्लिक्ट जहां पे अपोजिंग ग्रुप्स विद इन दी कंट्री, खतरा ये होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, लेकिन इंडिया में ही लोग आपस में लड़ने लगेंगे, तो पॉइंट ये है कि अब क्या कैसे संभालोगे चीजें। तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ और उस डिस्ट्रस्ट के कारण सिविल वॉर देखने को मिलता है आपको बिटवीन बोथ दी कम्युनिटीज ठीक है। और ये डिस्ट्रस्ट इतना इंटेंस हो जाता है कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, लड़ाई पे उतर आते सिन्हालाज और श्रीलंकन तमिल्स ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे श्रीलंका ने अपनी डायवर्सिटी को डील किया, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी सही था या गलत था, सही था या गलत था, गलत था, स्वाभाविक गलत था। डायवर्सिटी जो थी उसको आपने क्या कर दिया, डिवाइड में बदल दिया। एक सवाल का जवाब दो फिर अब मैं बताता हूं कि बेल्जियम ने क्या किया ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम हैज दी थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, पढ़ाया चैप्टर, बेल्जियम में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा तीसरी गवर्नमेंट भी थी, और वो तीसरी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट थी बताना जरा, क्या बात है, 85% बच्चे, 86% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं अभी तो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ठीक है, शाबाश, 3-2-1 टाइम अप ठीक है। तो मेजोरिटी बच्चों ने सही आंसर दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। आइए समझते हैं क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट आगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उनको समझाता हूं मैं। डायवर्सिटी बेल्जियम में भी थी, डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग वो भी तो लड़ा सकते थे, एक दूसरे को पत्थर मार सकते थे उठा के, लेकिन वहां पे क्या हुआ, बेल्जियम गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे यहाँ डायवर्सिटी है और इस डायवर्सिटी को प्रॉपरली अकोमोडेट करना होगा। उन्होंने मेजोरिटेरियनिज्म जैसी चीज नहीं करी, उन्होंने अकोमोडेशन पे फोकस किया, मतलब प्यार से अकोमोडेट करने की कोशिश करी ठीक है। तो दी सिचुएशन वॉज डिफरेंट इन बेल्जियम, कैसे तो वो मैं बताता हूं। उन्होंने क्या किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने 1970 से लगा के 1993 ठीक है, 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। अमेंड करना मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, संविधान में संशोधन किए, और उसके थ्रू उन्होंने डायवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए प्रोविजन डाले, जैसे जैसे इक्वल फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर और डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे बात कुछ भी हो, फ्रेंच मेजोरिटी में थे, डच माइनॉरिटी में थे, डच मेजोरिटी में थे, फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, कंट्री की बात करें अगर, लेकिन उन सारी चीजों के बावजूद, उन सारी चीजों के बावजूद आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब सरकार बनाई जाएगी तो उन्होंने अपनी सरकार के लिए क्या प्रोविजन रखा कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल रहेंगे, मतलब टोटल मिनिस्टर जो रहेंगे तो 50% फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे, 50% डच स्पीकिंग मिनिस्टर रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे, समझ गए। तो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर रहेंगे, यह पहला चेंज था। सुनो पॉइंटर्स, उंगलियों पे ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूरा रट के नहीं जाना पड़ता है, एग्जाम में सारी चीजें रट्टू तोते की तरह रट के नहीं जाना है, आपको की पॉइंट ध्यान होना चाहिए, वो की पॉइंट ट्रिगर करेंगे और तब आपका आंसर निकलेगा और तब आपका आंसर बन पाएगा। जो बच्चे पूछते हैं सर आंसर कैसे लिखे, कितना याद करें, तो कौन बोल रहा है याद करो, आपको सिर्फ कीवर्ड्स ध्यान रखना है, और उसी हिसाब से नोट्स बनाए मैंने, क्या कि पहला पॉइंट कैसे अकोमोडेशन किया कि इक्वल डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, दूसरा पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पावर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, श्रीलंका में यही तो हुआ कि जो सिन्हालास ने सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई वो सिन्हाला स्पीकिंग रीजन में भी डोमिनेट तो कर ही रही थी, जो तमिल स्पीकिंग रीजन था नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वहां पे भी डोमिनेट कर रही थी, उस रीजन को उन्होंने ऑटोनॉमी नहीं दी, उस रीजन को पावर नहीं दी,
स्टेट को कह सकते हैं कि उस स्टेट वाले उस प्रोविंस वाले पार्ट को पावर नहीं दी श्रीलंका में, लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम ने यह बोला कि फ्लेमिश रीजन है, वेलोनिया रीजन है, दोनों रीजन की अपने अपनी भी गवर्नमेंट होगी, उनकी अपनी पावर होगी, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी खुद की पावर दी। दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, समझे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा प्रोविजन क्या था समझते चलना, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उन्होंने ये बोला क्या कि अगर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर रखे तो ब्रसेल्स जो कैपिटल सिटी था, ध्यान करो, वहां पे भी क्या था, 80% फ्रेंच थे, 20% डच थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब जब सेंट्रल लेवल पे बराबर मिनिस्टर है तो ब्रसेल्स के लेवल पे, कैपिटल सिटी के लेवल पे भी दोनों ही मिनिस्टर्स बराबर बराबर होंगे, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर बराबर होंगे। ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी, कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट, और उसमें क्या होगा, उसमें बोथ दी कम्युनिटीज आर गोइंग टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन से होगा। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों मिनिस्टर बराबर रखे, हम कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट में भी दोनों मिनिस्टर बराबर रखेंगे, समझ गए। अब चौथा पॉइंट, ठीक है, ए बियर विद दिस, एक दो दिन की बात है, अभी आवाज ठीक हो जाएगी, सुन लो जरा दो मिनट, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि चौथी होगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या कहेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट ये कहेगी कि जहां पे, जैसे अगर आप देखेंगे कि यहां पे जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है, अब अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया, किसके लिए, फ्रेंच भाषा के ऊपर लॉ बना दिया, फ्रेंच भाषा के ऊपर, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को ऐसा लग सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी थे, माना कि बराबर थे, लेकिन डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हमारी भाषा के ऊपर लॉ क्यों बना रहे, लग सकता है उनको। तो मतलब हमने बोला कि भाषा तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, ठीक है, मतलब ठीक है, भाषा तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, तो उसके लिए क्या है कि एक तीसरी तरह की सरकार बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, ब्रसेल्स कैपिटल सिटी है उसकी अलग गवर्नमेंट रहेगी, और एक तीसरी तरह की भी सरकार बनाई जाएगी, ठीक है। और वो तीसरी तरह की जो सरकार बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरी तरह की जो सरकार बनाएगी वो बनाई जाएगी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या खास है समझना, तो ये इस तरह की गवर्नमेंट होगी, दिस इज गोइंग टू बी अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है। एक भाषा बोलने वाला जो लैंग्वेज ग्रुप रहेगा, एक भाषा बोलने वाला लैंग्वेज ग्रुप मतलब जैसे सारे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कहां रह रहे हैं, वो वेलोनिया वाले रीजन में है या फ्लेमिश रीजन में है, मायने नहीं रखता है, जितने भी फ्रेंच भाषी रहेंगे, ठीक है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे, वो सब मिलके अपने लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दों पे, फ्रेंच एजुकेशन से रिलेटेड और रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज, फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच एजुकेशन, फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड मुद्दों पर निर्णय लेगी। सिमिलरली एक गवर्नमेंट बनेगी जर्मनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन बनाएगी, एक बनेगी डच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन बनाएगी, समझ गए। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट तीसरा, चौथा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल, स्टेट और कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट, एक चौथी गवर्नमेंट जो रहेगी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट रहेगी। एंड व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो इट इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप, मतलब हर भाषा बोलने वाले लोग अपने अपने एक एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। इट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, समझ गए। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि आजादी देना, थोड़ा सा लिबर्टी देना। जैसे आपने सुना होगा कि कोई कोई सी यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज होती है, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज मतलब कि उन यूनिवर्सिटीज के पास में पूरी आजादी है कि वो अपने हिसाब से काम कर सके, ठीक है। अब बताओ गिव मी अ थम्स अप, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई साहब, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने फ्रेंच और हमने बेल्जियम और श्रीलंका का कंपोजिशन, श्रीलंका ने डाइवर्सिटी को कैसे टैकल किया वो, और बेल्जियम ने कैसे डाइवर्सिटी को टैकल किया वो, इतनी चीजें पढ़ ली है। कोई डाउट हो तो बताओ, या फिर नहीं तो थम्स अप दो और आगे बढ़े। व्हाई इज कम्युनलिज्म कंसीडर्ड रॉन्ग, इफ मेजोरिटी वांट रूल हु वुड, ठीक है। तो मेजोरिटी शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्यों, क्योंकि ओपिनियन आदमी चेंज कर सकता है, धर्म नहीं बदल सकता है। और जब धर्म के हिसाब से आप रूल करवाओगे तो उससे क्या होगा कि माइनॉरिटीज
Those who are born in a particular religion are bound to be suppressed. लेकिन अगर आप बोलते हो डेमोक्रेसी मेजोरिटी के हिसाब से काम करती है, तो वो मेजोरिटी परमानेंट नहीं है. डेमोक्रेसी में मेजोरिटी वोटिंग ओपिनियन के बेसिस पे है, ठीक है? तो वो चेंज हो सकता है. मैं अपने ओपिनियन से मेजोरिटी में भी जा सकता हूं, माइनॉरिटी में भी जा सकता हूं. गुड क्वेश्चन. प्रूडेंशियल मीनिंग पे आ रहे हैं दोस्त, अभी आ रहे हैं. एथनिक मतलब कि जब आप एक शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे आप अपनी आइडेंटिटी को देखते हो, वो एथनिक होता है. प्रूडेंशियल मॉरल पे आ रहे हैं, बस बस वही वही टॉपिक है आगे. ठीक है, ठीक है. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट. लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे. सबको क्लियर है तो क्यों मेरे थम्स अप. तरक्की वाले आपको याद है, कैसे भूल सकता हूं बताओ. ठीक है, ओके. 21 को एग्जाम है, हिस्ट्री का चैप्टर 2 रिवाइज करना है, कैसे करूं? देखो हमारे टाइम टेबल में 21 के बाद हो रहा है क्या वो? ठीक है, हाफ ईयरली में एग्रीकल्चर आना है. अब देखो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है भाई साहब. बहुत सारी स्कूल में अलग अलग सिलेबस आ रहा है. एक बच्चे ने मेल किया, सर मेरी स्कूल में सिर्फ 2 चैप्टर छोड़ के पूरे आ रहे हाफ ईयरली में. मैंने बोला तो स्कूल वालों को जाके बढ़िया टॉफी दो, बोलना कि लगा लो जितना था, मैं बोर्ड एग्जाम में नंबर लाके दिखाऊंगा. तो अब इतना पैनिक मत हो. जिसका जो जो सिलेबस है वो हम सबका तो एक साथ कवर नहीं कर सकते. आइडियली 10 चैप्टर अभी हाफ ईयरली में कर लेते हैं, फिर एक बार वही रोड मैप के हिसाब से चलेंगे. और दिसंबर के पहले पहले, इनफैक्ट मैं नवंबर एंड दे रहा हूं, नवंबर एंड पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा. ठीक है, चलो खुश रहो, आगे बढ़ते हैं. तो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको. हम 5वां क्वेश्चन ये डायरेक्ट, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाट इज द मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, व्हाट इज द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. अगर ऐसे क्वेश्चन ना आए तो फिर पढ़ाना छोड़ दूं मैं. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं बस, कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग बताओ, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग बताओ. ठीक, तो अब अगर हम जैसे देखें तो मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है. मॉरल और प्रूडेंशियल पहले शब्दों को समझ लो. मॉरल मतलब ये होता है नैतिकता भरा. जैसे आप बोल रहे हो आप एक अच्छा बच्चे हो, ठीक है, तो अब जब एक अच्छे बच्चे हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझो, माता पिता को कष्ट ना पहुंचाओ, ठीक है, अनुशासन के साथ अपना काम करो. ठीक है, तो अच्छा बच्चा कहलाने के लिए वो इनहेरेंट है कि आप लोगों की इज्जत करो. ठीक है, तो क्या हो गया ना, वैसे अगर आप बोल रहे हो कि हम डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के लिए तो ये इनहेरेंट है क्या कि आप पावर शेयर करो. अगर आप डेमोक्रेसी हो तो आप अपने लोगों के बीच में पावर तो शेयर करोगे ही करोगे. तो मॉरल रीजन मतलब क्या है, कि मॉरल रीजन पावर शेयरिंग का यह है कि इट इज द वेरी बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में पावर शेयर तो करना ही चाहिए. अच्छा बच्चा है तो अनुशासन में तो रहेगा ही रहेगा, समझ गए ना. तो वैसे ही मॉरल रीजन यह कहता है कि वॉट इज द मॉरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि If there is not power sharing, then this cannot be said a good democratic country. या फिर वो democracy democracy नहीं रहेगी जहां पे power sharing नहीं होगा. तो power sharing is the very spirit of democracy. समझ गए? दूसरा क्या है? दूसरा जैसे अगर हम देखेंगे तो दूसरा है legitimate government is one where citizens acquire a stake in the system through participation. ठीक है, तो एक moral reason power sharing का ये भी है कि morally आप power share इसलिए करोगे क्योंकि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे जो लोग हैं वो लोग अगर हिस्सा ना लें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो वो सरकार लेजिटिमेट ही नहीं कहलाएगी. लेजिटिमेट मतलब क्या है, कि जिसकी वैल्यू हो. ठीक है, तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी जहां पे सिटीजन्स एक्वायर स्टेक इन द डिसीजन मेकिंग, या फिर सिटीजन्स एक्वायर स्टेक इन सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन. मतलब वो लोग जिनसे सिस्टम बना है उन लोगों का तो उसमें हक होना ही चाहिए ना. तो इस कारण से क्या है, मॉरल रीजन हो गया कि पावर शेयरिंग इज द वेरी बेसिक स्पिरिट, और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होगी जहां पे सिटीजंस स्टेक एक्वायर करें. अब आ जाओ प्रूडेंशियल रीजन. ठीक है, प्रूडेंशियल मतलब क्या होता है, प्रूडेंट. इंग्लिश मीनिंग देखोगे प्रूडेंट का, तो इंग्लिश मीनिंग प्रूडेंट का मतलब यह होता है कि समझदारी भरा. ठीक है, इंग्लिश मीनिंग जो है प्रूडेंट का वही होता है समझदारी भरा. तो प्रूडेंट या फिर प्रूडेंशियल रीजन का मतलब यहां पर यह हो गया, सिंपल सी चीज है कि अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो लड़ेंगे लोग आपस में. तो अगर आपको लोगों की लड़ाई खत्म करना है तो पावर शेयर कर दो. ठीक है, लोगों की लड़ाई खत्म करना है तो पावर शेयर कर दो, लोग लड़ेंगे ही नहीं आपस में.
ठीक है, तो प्रूडेंट रीजन यही है, प्रूडेंशियल रीजन यही है कि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सिन्हालाज और तमिल्स को दोनों को पावर दे देते तो क्या सिविल वार होती? नहीं होती। ठीक है, तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पावर शेयर करो, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो। ठीक है, इट इज अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसे अब सिन्हालाज ने अपनी सरकार बना ली, अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश कर लिया, कब तक? लेकिन क्यों? क्योंकि एक समय के बाद में तमिल्स ने हथियार उठा लिए, खून खराब, सिविल वॉर, तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो गई। सिन्हालाज भी परेशान, तमिल्स भी परेशान, पावर शेयर कर देते ना लाले तो चुपचाप क्या रहता, सब कुछ स्टेबल रहता, सेफ रहता। तो पावर शेयरिंग जो है तो प्रूडेंशियल इसलिए भी है कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, साथ ही साथ इट इज अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर, मेजोरिटी वाले दबा के चला लेंगे काम, ठीक है, मेजोरिटी वाले क्या है, माइनॉरिटी को कुचल के रख लेंगे अपने अंडर में और काम चल जाएगा, तो आपको एक चीज बता देते क्या कि टेरेनी ऑफ मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी का दबदबा, मेजोरिटी का बोलते ना, मेजोरिटी का धाक जो है, तो वो शॉर्ट टर्म में सही लग सकता है कि हाँ आज डरा लेंगे, दबा लेंगे, लेकिन बूंद बूंद से घट बढ़ता है, एक समय पे माइनॉरिटी क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी करेगी। ठीक है, तो टेरेनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी, और इससे सिर्फ माइनॉरिटी को लॉस नहीं होता है, ठीक है, इट ऑफन ब्रिंग्स रुइंस टू द मेजोरिटी एज वेल। इससे मतलब वही है कि जिनके घर कांच के होते हैं, ठीक है, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। सिंपल सी चीज यहाँ पे भी वही है कि मेजोरिटी अगर माइनॉरिटी को सप्रेस करेगी तो मेजोरिटी डरा के धमका के तो रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी लौट के हमला नहीं करेंगे। ठीक है, तुम चार मारोगे वो एक मारेंगे, तो लड़ाई तो होगी, नुकसान दोनों को होगा। समझ गए, समझे कि नहीं? चलो, तो ये मॉरल रीजन और पावर प्रूडेंशियल रीजन ये प्रूव करते हैं कि क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। चलो एक सवाल, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लास्ट टॉपिक पे आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट भाषा पर रूल नहीं बना सकता ना, बेल्जियम में भाषा से जुड़ा हुआ कोई लॉ बनाना रहेगा तो फिर वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, बताओ सवाल है, व्हाई इज पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर शेयर करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, उसे हॉरिजॉन्टल क्यों कहा जाता है बताओ? Organs of government placed at the same level. Horizontal और vertical शब्द समझते हो तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया मुझे, तो मैं भी तुम्हारी टीम से वोट करता हूं। चलो, इतनी जल्दी चैप्टर खत्म, तो रिविजन कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं क्या, ये बता दो तुम। बड़े डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं तो बोलते सर बहुत बड़ा चैप्टर बनाते हो, रिविजन के लिए शॉर्ट में फटाफट सारी चीजें समझाते हैं। अच्छा, एक चीज बता दे रहा हूं, है रिविजन लेकिन एक टॉपिक छूट गया हो ना तो बता देना, एक भी टॉपिक नहीं छूटा, सारे पॉइंट टच करते चल रहे हैं। ठीक है, ए वरुण पढ़ ले, एटीट्यूड गर्ल के पीछे लगाए, जब तक तुम्हें प्रॉपर शाउट आउट नहीं मिलता मानते नहीं हो। 71% बच्चों ने बी आंसर दिया, सही है। ठीक है, ठीक है, एटीट्यूड गर्ल चाहिए इनको। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम देखें तो सिंपल आंसर ये है कि हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एक लेवल पे है, इसीलिए उसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर शेयरिंग कहेंगे हम। ठीक है, इसीलिए उसे हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर शेयरिंग कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, भाई साहब अच्छे से पढ़ना, क्या एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपको, क्या एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो अब इसमें आपके बताओगे पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पिछले वाले में शायद मैं लेवल लेवल बोला आ रहा था, है ना, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशियरी एक लेवल पे होते हैं। ठीक है, आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक लेवल पे होते हैं, इसीलिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम बी आंसर लगाएंगे, ऑर्गन की जगह लेवल बोल रहा था। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में पावर शेयर होती है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट एक एग्जांपल है। ठीक है, और एट टाइम्स पावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इनके बीच में शेयर होती है। ठीक है, तो पावर चार तरह से शेयर होती है। ठीक है, फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में ऐसे भी आ सकता है, और साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है
कि बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में तो आ गया, और स्पेसिफिक 3 3 नंबर में ऐसे भी आ सकते हैं कि हाउ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन, तो आप बताएंगे क्या वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, उससे चेक्स एंड बैलेंस बनता है। ठीक, तो आप शुरू करें अगर हम यहां पे, तो समझना सिंगल पर्सन पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के टाइम में एक व्यक्ति के पास पूरे पावर होती थी, मोनार्की थी, वो एक व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी निर्णय ले लेता था जो उसको ठीक लगता था। लेकिन अब क्या है, अब एक व्यक्ति के पास पूरी पावर नहीं है। टुडे वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे मल्टीपल सिटीजन्स हैं, मल्टीपल सिटीजन्स के इंटरेस्ट को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तब एक व्यक्ति के पास पावर चल सकती थी क्योंकि तब निर्णय एक व्यक्ति लेता था। नाउ वी आर लिविंग इन अ एरा जहां पे मल्टीपल सिटीजन्स आर द पार्ट ऑफ अ कंट्री एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मल्टीपल सिटीजन्स के पास पावर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो स्विच देखने को मिला है, ठीक है, तो इसी के चलते क्या है, पावर शेयरिंग एसेंशियल हुआ है। अब पावर शेयरिंग एसेंशियल हुआ है तो वो मल्टीपल सिटीजन को अकोमोडेट कर पाना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वो कैसे हो पाएगा जब अपने पावर दोगे, तो कैसे दोगे पावर, तो थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग आर गिवन बिलो। क्या है कॉमन अरेंजमेंट्स, तो पहला ये है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग तरह के जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच में पावर शेयर होती है। कैसे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयर होती है, तो जैसे यहां आप देखोगे तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। जुडिशियरी एक होता है पूरा कोर्ट वाला सीन, लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाले एमपीज, पार्लियामेंट्स में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब एग्जीक्यूट करने वाले लोग हो गए। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो 3 अलग अलग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों के बीच में अलग अलग पावर दे दी कि तुम्हारा काम लॉ बनाना, तुम्हारा काम लॉ को एग्जीक्यूट करना, तुम्हारा काम ये है कि देखो लॉ गलत तो नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी होते हैं। अब ये एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गई है। इसमें क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिव बड़ा है, लेजिस्लेचर या जुडिशियरी, तो तीनों एक ही लेवल पे है, तीनों के काम अलग अलग है। ठीक है, तीनों एक ही लेवल पे है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। एंड व्हाई दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज नोन एज चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि उस पर यह देखा जाता है कि एग्जीक्यूटिव आगे ना बढ़ जाए वो चेक कर रहा है जुडिशियरी, ठीक है, लेजिस्लेचर गलत लॉ ना बनाते वो जुडिशियरी चेक कर रही है, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस बनाए हुए हैं, तो यहां पे आपको क्लियर कट तरीके से चीजें समझ में आई, समझ में आई। ठीक है, कब तक लेक्चर है, जरा मान जाओ, बस 2 4 5 मिनट और बचे। तो एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये है, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन सकता है कल जिन लोगों का एग्जाम है, ध्यान रखना। ठीक है, एक तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा ही, दूसरा ऐसा भी बन सकता है कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो वो आप बता देंगे। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसे होता है। दूसरा है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है, एक लोकल लेवल होता है, तो आप क्या कर रहे हो, सेंट्रल से लोकल लेवल तक पावर शेयर कर दे रहे हो, ये क्या हो गया, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, उनके बीच में जब पावर शेयर होता है, तो व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, ये जो है ना, तो इस तरह की पावर शेयरिंग से फेडरलिज्म प्रमोट होता है। ठीक है, इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहेंगे, इस तरह के पावर शेयरिंग से फेडरलिज्म प्रमोट होता है। कैसे, फेडरलिज्म क्या है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम, कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट टीयर्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, तो इसको वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे सेम लेवल पे ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसी लाइन वर्टिकल, मतलब टॉप टू बॉटम पावर शेयर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़े अगर, तो तीसरा है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाँ जी, सामाजिक ग्रुप की अगर बात की जाए, तो जैसे आप देखोगे क्या हो रहा था, फ्रेंच स्पीकिंग ग्रुप एक ग्रुप था बेल्जियम में, डच स्पीकिंग ग्रुप एक ग्रुप था, जर्मन स्पीकिंग ग्रुप एक ग्रुप था, तो अलग अलग लेवल के आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम यहां पे चीजों को समझे, तो एक चीज समझ में आएगी आपको बहुत अच्छे से, क्या बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आएगी, कि सोसाइटी में कितने ही सामाजिक ग्रुप होंगे, कोई धर्म के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है, कोई अपनी आइडेंटिटी ऐसा हो सकता है, रीजन के बेसिस पे बता दें कि हम साउथ इंडियन है, हम नॉर्थ इंडियन है ना, तो उस हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं कंट्री के अंदर, तो उनके बीच में अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो दिस इज गुड,
जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो अब ये अलग अलग ग्रुप कास्ट के बेसिस पे है, तो इनके बीच में पावर शेयर कर दो, तो इनको भी ऐसा लगेगा कि यार वी आर दी पार्ट ऑफ दी सिस्टम, वी आर हैविंग सफिशियंट पावर, तो वो एक साथ रहेंगे, उनके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। मैंने क्या बताया, इट्स नॉट आर डिफरेंसेस दैट डिवाइड्स अस, इट्स आर इनएबिलिटी टू सेलिब्रेट दोज डिफरेंसेस। वो डिफरेंसेस है अच्छे, उनको सेलिब्रेट करो, अगर सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे रूठ के बैठ जाओगे तो डिवाइड हो जाओगे। ठीक है, तो वही चीज है, वही वही चीज है। तो यहां जैसे अगर हम देखें, तो जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर कैसे शेयर की जाती है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट को एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे, एज इट वॉज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, लैंग्वेज कम्युनिटीज इन बेल्जियम, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई, वो एक एग्जाम्पल है। इंडिया में जैसे देखोगे तो इंडिया में जो सोशली वीकर सेक्शन है, ST ST OBC, इन लोगों को रिजर्वेशन मिला। ठीक है, तो वो भी क्या है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो कॉन्सेप्ट है, क्या शेड्यूल कास्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया गया, तो वो क्या हो रहा है, आप पावर दे रहे हो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को कि तुम भी पावर में आओ। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। चौथा अगर देखें हम, चौथा क्या है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स, ये क्या कहानी है। ठीक है, तो अब आप जैसे देखेंगे कि एक कंट्री के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अब सरकार बनाने की बारी आ रही है, किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली तो दो तीन पार्टी एक साथ आ जाती है और वो क्या बनाती है, कोएलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, तो वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, वो भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो जैसे कोएलिजन गवर्नमेंट, कीवर्ड से चीजें रिकॉल करना होता है, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो कोएलिजन गवर्नमेंट एक एग्जांपल है, जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है तो दो दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आती है, गठबंधन बनाती है। ठीक है, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट एक तरह से, और फिर वो गठबंधन बना के जो सरकार बनाई है तो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स होंगे, सब साथ में देश चलाएंगे। ठीक है, कोलिजन गवर्नमेंट एक एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट ग्रुप्स, जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, तो अब क्या हो रहा है, प्रेशर ग्रुप्स की अगर बात करें तो जैसे सारे फार्मर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे और उनके पास ये पावर थी कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि सरकार को अपने फार्म लॉज जो बनाए थे उनको वापिस लेने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, तो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, तो इनके पास भी पावर होना चाहिए कि सो दैट वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सके, अपना हक, अपनी अपनी इच्छा, अपना इंटरेस्ट हाईलाइट कर सके। ठीक है, तो ये एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो जाता है। फाइन, रिकॉल करें अगर एक बार, तो फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो दीज आर दी फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। बताओ भाई साहब, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर? यू हैव 5 मिनट्स। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम वॉइस 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 लगे थे, चैप्टर ही खत्म हो गया, अगर वॉइस के नाम से बैठे रहते तो आज सेशन होता नहीं होता। ठीक है, अ कार विथ नो हैंडल्स मींस, मतलब कंट्रोल नहीं है उस पर आपका, और क्या ऐसा। ठीक है, प्रोविंसेस क्या होते हैं, प्रोविंसेस मतलब स्टेट, समझ रहे हो, स्टेट को ही प्रोविंस कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी कि भाई साहब तुम लॉ एग्जीक्यूट करो, जुडिशरी को पावर दे दी कि तुम ये देखो कि कहीं लॉ गलत तो नहीं बन रहा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर को काम देते कि तुम सिर्फ लॉ बनाओ, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पर पावर शेयर कर दी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट पावर टू वर्क। ईबुक अभी बनाऊ तो सही, तब तो आएगी ना। देखो अभी मैं तुम्हें ईबुक में भी यही सारा कंटेंट रहेगा, बस वो प्रॉपर व्हाइट में एग्जाम के टाइम पे रहेगी कि आपको रिवीजन करने में मदद मिल जाए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ यार। अब 2 दिन पहले तो हमने शुरू किया है, अब धीरे 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 करेंगे सब, लेकिन बहुत रफ्तार से करेंगे, घबराओ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? सेशन शेयर कर दिया था तुमने यार, मैं कभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे 2 दिन से बोलना पड़ा तुम लोगों से। ठीक
ठीक है, जीएस कैरिकुलम क्या है बाबू? 20 रुपए बांट रहे हो तुम? ठीक है, खलील डिलेमा नहीं पढ़ना है, कोई डाउट हो तो पूछते चलो। खलील डिलेमा नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है जब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल से पावर लेके लोकल लेवल को दे दिया जाता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है चलो, प्रेशर ग्रुप वाला समझ नहीं आया। प्रेशर ग्रुप में यह है कि जैसे अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, ट्रेडर्स हैं, तो वो ट्रेड यूनियन बना के रखते हैं कि कोई भी ऐसा लॉ ना आए जिससे ट्रेडर्स को, इंडिया के ट्रेडर्स को नुकसान हो। तो वो प्रेशर ग्रुप्स के पास भी पावर रहती है क्या, कि जब कोई पॉलिसी बनाई जा रही तो जो ट्रेड यूनियन वगैरह है उनसे अगर जुड़ा लॉ है तो उनसे पूछा जाए, ताकि क्या हो, ताकि उनके इंटरेस्ट को हार्म ना हो, समझे? लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम क्या है? एलटीटी जो है ना, तो जो श्रीलंकन तमिल से उन्होंने गैंग बनाई थी, अपनी ग्रुप बनाया था, जो ईलम मतलब स्टेट होता है, घर होता है, ठीक है, तो तमिल ईलम को आजाद करवाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, प्रभाकरण जो थे तो उसके लीडर थे। ठीक है, डस कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन पावर? यस, मतलब एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन रहेगा उसका लैंग्वेज, कल्चर और एडुकेशन। लैंग्वेज, कल्चर और एडुकेशन से जुड़े हुए डिसीजन लेना होगा तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी, समझ गए? ठीक है, तो भैया आज के हमारे सारे टास्क हुए कंप्लीट। ठीक है, पावर शेयरिंग 3 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर और बचे। कल मिलेंगे डेवलपमेंट चैप्टर के साथ में, कल मिलेंगे डेवलपमेंट चैप्टर के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखना है, मुस्कुराते रहना। क्लास 9th आज हम 8:45 पे ही मिल रहे हैं। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि टाइम को आगे पीछे करें क्या, तो बहुत सारे बच्चे हाँ बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ना बोल रहे हैं, तो अभी मुझे निर्णय लेने में थोड़ा आज का समय और लगेगा। आज हम 8:45 पे ही मिलेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है, ठीक, लेवल्स मतलब स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, तीनों लेवल के बीच में पावर शेयर की जाती है, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। एडुएप में आपका इंटरव्यू आया है? हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, तो ही इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड संजीव सर, तो उनके साथ में एक बहुत लंबे समय से पॉडकास्ट पेंडिंग था, उन्होंने एक सीरीज भी चालू करी, तो मतलब अब मैं फ्री हूं। ठीक है, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, तो वी हैड अ इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, तो इफ यू हैवेंट वॉच इट प्लीज डू वॉच। ठीक है, तो वो पॉडकास्ट उनके चैनल पे आया है, जी हाँ, देख सकते हैं हम। मैप वर्क, इस चैप्टर से कोई मैप वर्क है ही नहीं। ठीक है, खत्म करें? रात को करते तो पढ़ भी नहीं पाते। ठीक है, क्लास खत्म होते से डाल देता हूँ। ठीक, सही बोला, मैंने सोचा मैं अपने दिन के सारे काम निपटा के फिर डालूं, लेकिन मैं क्लास खत्म होते से डाल दूंगा टेलीग्राम पे पीडीएफ। बस, तो ये टेलीग्राम चैनल है टीम डीएसआर, ठीक है, उस पर डाल देते हैं। आई एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सोशल ब्रेन्स वाले चैनल पे आया होगा, एक इंपॉर्टेंट वीडियो इंडिया वर्सेस भारत वाली जो डिबेट चल रही है, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट जस्ट गो एंड वॉच दैट। ठीक है, लिंक भी आपको मैं दे रहा हूं अभी चैट में, बस इंडिया वर्सेस भारत वाले वीडियो की लिंक। ठीक है, ओके, ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। अभी के लिए साइन ऑफ कर रहे हैं, क्लास 9 8:45 में मिलते हैं, साइनिंग ऑफ दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।